का मतलब क्या होता है? मुछे नहीं, बेचारे की मुछे खलास करने वाला। मैं अभी आपने देखा होगा कुछ अमृतसर, है ना, अमृतसर ऑफिस में थोड़े टाइम पहले अभी जस्ट असिस्टेंट प्रमोशन हुआ, उसके बाद फिर अभी मैम जो है वो प्रमोट हो गए एज अ ब्रांच मैनेजर, है ना, वहीं पर साथ में ही पार्टनरशिप में। तो मुझे ऐसे पता है कि मई में जब हम सब लोग यू नो लॉकडाउन में थे, अभी घर के अंदर थे, सब विचार कर रहे थे आई थिंक कि हम सब कैसे स्टार्ट करें, अपनी ट्रेनिंग को कैसे कंटिन्यू करें, अपने ऑफिस कैसे वापस स्टार्ट करें। एंड हमने सुना है कि उन्होंने मई एंड में ऑलमोस्ट 25 के बाद के तो उन्होंने काम स्टार्ट किया। जब हम सब लोग ये सुनते थे टीवी में, टीवी के जरिए ऑलमोस्ट, कि भाई लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, कुछ दिक्कत हो रही है, मिल नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम है, पैसा प्रॉब्लम है, तब हमारा कोई यू नो स्टूडेंट जाता है, आई मीन मर्चेंडाइजर जाता है, फुल में जाता है और 5-6 किताब यू नो हाई रोलिंग स्टार्ट करता है। और ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने हमेशा देखा है जब भी कोई इनडिफरेंट या बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो, उसमें अगर किसी ने भी शुरुआत की हो, उसने अगर किसी ने भी अगर अलग एटीट्यूड दिखाया हो, तो माशाल्लाह वो बहुत ऊपर जाता है। और मेरे ख्याल से अनुराधा ही ना आपका पूरा नाम है ना, क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन रहता अनुराधा और अनुपम के बीच में। तो अनुराधा जो अभी प्रमोट हो गई है, मैं कल भी अपनी टीम से बात कर रही थी पटियाला में कि देखो ये बहुत अलग बात है ना, कि आप मई के एंड में, अभी सारे ऑफिसेस, अभी कोई भी ऑफिस आई थिंक स्टार्ट नहीं हुआ था जब इन लोगों ने यू नो 15 मई से हाँ बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा था, हम सब लोग अंदर थे और ज्यादातर हम सब टीवी ही देख रहे थे और टीवी से ही पूरी दुनिया को हम देख पा रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोग बीमारी से मर रहे हैं, कितनों के पास पैसे नहीं है, कहाँ तक सरकार की फैसिलिटीज पहुंची, कहाँ तक नहीं पहुंची, ये सब चीजें। और उसके बीच में ये लोग निकल के फील्ड में मर्चेंडाइजिंग कर रहे थे और लोगों की जेब से पैसे निकलवा रहे थे, ठीक है। जब हम सुन रहे थे टीवी में कि नहीं जी बाहर तो बहुत मुश्किल हो रहा है सारी चीजें, और उस टाइम पे अनुराधा एंड उनकी बाकी और भी बहुत सारे लोग उनकी टीम में जिन्होंने स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स इनके सीनियर दीपक सर है ना, इन लोगों ने स्टार्ट किया और एक अच्छा स्टार्ट किया, मतलब यू नो फिर मैं जाकर ये नहीं कि रोया धोया या जो भी डिफिकल्टीज फेस करी होगी वो तो करी होगी, क्योंकि ट्रेनिंग में इतना तो हम लोगों को सॉलिड बना ही देते हैं कि हम कैसी भी स्थिति हो हम उसको इजिली फेस कर लेते हैं। रोना वोना तो किसको बताना, फिर जो भी होता है फील्ड ट्रेनिंग में और सबको पता है क्या डिफिकल्टीज रहती है और उसी लिए हम ट्रेनिंग करते होते हैं। तो मैं रियली मतलब बहुत दिल से बधाई है आप लोगों को कि आपने इतने मुश्किल समय में स्टार्ट किया और बाकी लोगों के लिए आपने एक प्रेरणा यू नो प्रेरणा बनकर आप उभरे, सामने आए। फिर बाकी लोगों ने, कईयों ने 4 जून से स्टार्ट किया, कईयों ने 8 जून से, सितंबर तक चल ही रहा था, धीरे धीरे ऑफिस स्टार्ट हो रहे थे, है ना। और लास्ट का बिग हैंड टू अनुपम अनुराधा एंड दीपक एंड ठीक है। 15 मई के बाद ये लोग कह रहे उन्होंने स्टार्ट किया उतने मुश्किल समय में, है ना, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और ये लोगों के घरों पे जाकर के डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि उस टाइम पे घर से ही स्टार्ट किया होगा, हाउस टू हाउस कम्प्लीटली, है ना। तो डायरेक्ट वर्क स्टार्ट किया होगा इन लोगों ने और आज वो मैनेजर के तौर पे इधर बैठे हैं, उस भीड़ में नहीं बैठे हैं। अगर शायद इनको किसी और ने धक्का दिया होता स्टार्ट करने के लिए तो मे बी अभी भी वो उधर बैठे होते। यही फर्क होता है कि हमें कोई धक्का दे या फिर हम खुद से स्टार्ट करें, सेल्फ मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि ट्रेन तो ये ऑलरेडी हो चुके थे, है ना। एंड बाकी आप सब लोगों के लिए भी बहुत सारी तालियां बजाना चाहूंगी, ना मैं चाहूंगी कि आप सब लोग उसमें बड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि जिन लोगों ने कोविड के बाद स्टार्ट किया है हमारे तो लाइक आप सब हीरो हो सीरियसली। वैसे भी इंडस्ट्री के हीरो को तो अब थोड़ा कम हो गया ना हमारा क्रेज, उन लोगों की बहुत सारी सच्चाइयां सामने आ गई, अब हमें लगता है कि असली हीरो तो कोई और ही है। वैसे भी रियल लाइफ में हीरो तो वही है जिसने रियल लाइफ में कुछ अलग किया है ना। तो आप सब सीरियसली किसी हीरो से कम नहीं हो, आप बहुत ग्रेट हो और आपने बहुत सारी मेहनत की है। और हमने डायरेक्ट जब कोविड के बाद जब ऑफिस स्टार्ट हुए और आप सब लोगों ने डायरेक्ट से स्टार्ट किया है, जिन लोगों का अभी स्टार्टिंग हुआ है, अभी सिलेक्शन हुआ है, वो लोग तो इजीली अब तो ऑफिसेस खुल गए हैं, स्कूल्स ओपन हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज एवरीथिंग, लेकिन जिन लोगों ने कम्प्लीटली डायरेक्ट से डायरेक्ट वर्क में स्टार्ट किया है और बहुत सारे नेगेटिव्स फेस किए हैं और फिर भी एज अ हीरो आज यहाँ पे खड़े हैं, सो उन सभी के लिए जोरदार ताली।
में 10 मिनट्स का समय ही मिला इधर से. ठीक है. वेल अभी लाइक गुरप्रीत का टॉपिक था रीट्रेनिंग, है ना. रिट्वीनिंग डे पर हम सुबह से यू नो सुन रहे हैं. सबसे पहले सर ने बताया आपको फाइव फेजेस ऑफ बिजनेस का पहला पॉइंट. यू नो एज अ ट्रेनी जब आप इस बिजनेस में सेलेक्ट होते हो तो आपकी कौन सी चार बातें जो मेन बातें हैं वो जो आपको सीखनी होती हैं जिसकी वजह से आप एज अ ट्रेनर के तौर पे यू नो सामने आते हो. और उसके बाद आपकी एक्चुअल ट्रेनिंग फिर शुरू हो जाती है जहां पे आपको ये सिखाया जाता है एवरी डे कि भाई आपको टीम बिल्ड करनी है अब और आपको मैनेजर बनने के लिए काम करना है. वैसे तो हमें डे वन से ही यू नो जब हम फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए विजिट करते हैं ऑफिस में उस टाइम से ही हमें क्लियर किया जाता है कि भाई आपको अगर हम लेंगे तो मैनेजर की उसके लिए ही लेंगे, पोस्ट के लेंगे. लेकिन हम आपको उसके लिए आपको ट्रेन करेंगे पहले. हम आपको डायरेक्टली वहां पे बैठा नहीं सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी होती हैं. तो उसी पे पहले आपको लाइक दीपक सर आए, उन्होंने मर्चेंडाइजिंग के बारे में बताया, है ना. दो दीपक आए, दो दीपक यू नो दीपक नाम भी कितने प्यारे हैं, उसका मीनिंग भी कितना प्यारा है. और इतना अच्छा बताया आपको दोनों ने, मर्चेंडाइजिंग से संबंधित बातें करी. और दोनों खुद में एक बहुत अच्छे मर्चेंडाइजर्स है. यू नो दीपक सर तो अभी भी हम नाम सुनते हैं, ये वाले दीपक सर जो हम उनको ज्यादा जानते हैं जब से वो जो देहरादून स्पेस इंटरनेशनल वाले हैं, जब वो मर्चेंडाइजिंग करते थे. हमें तो ओडी डे से लेकर उनकी सारी चीजें पता है ना. तो वो अच्छा मर्चेंडाइजर रहा है और एक अच्छा मैनेजर भी है. जैसे वो बोल भी रहा था कि सर बोलते हैं कि एक गरीब मर्चेंडाइजर एक गरीब मैनेजर बनता है, इट्स लाइक कुछ उसने ऐसे बोला था. वो सच बात है. लेकिन गरीब बनने का कोई चांस ही नहीं होता है क्योंकि इतनी सॉलिड ट्रेनिंग होती है. छोटे से छोटी चीजें, बड़ी से बड़ी चीजें आपको सिखाई जाती है अगर हम दिल से उसको सीखें और इस बात को पहले अंडरस्टैंड करें, महसूस करें इस बात को कि हम हमारी चाहे जो मर्जी क्वालिफिकेशन है ना, हम चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, ट्वेल्थ है, बट आप ये देखिए कि अपॉर्चुनिटी कितनी ब्यूटीफुल है कि सिर्फ और सिर्फ आपको सेलेक्ट किया गया है. आपको देख करके एक दिन का ऑब्जर्वेशन डे रख करके आपको मौका दिया गया है, यानी हम सबको एक चांस मिला है कि आप एक बहुत बड़ी यू नो पोजिशन पे जा सकते हो, बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हो और आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में, बहुत कुछ पा सकते हो अपने जीवन में. लेकिन आपको ये ट्रेनिंग करनी होगी, ये सारी डिफिकल्टीज फेस करनी होगी और इसमें हम आपको ट्रेन करेंगे छोटे से छोटे लेवल तक, बड़े से बड़े लेवल तक. तो मर्चेंडाइजिंग के बारे में बात हुई, जो हमारा यू नो फाउंडेशन है, है ना, बुनियाद है वो हमारी, यू नो उसको हमने सीखना पड़ेगा सही तरीके से. रोज आपको सिखाते होंगे आपके मैनेजर्स, डेफिनेटली यहाँ पे भी आज बहुत सारी बातें हुई. फिर ऑब्जर्वेशन डे पर पुरुषोत्तम सर ने बताया, वो मेरी ट्रेनर है. मैं फर्स्ट डे पुरुषोत्तम सर के साथ फील्ड में गई हूँ, एक और दिन गई हूँ रीट्रेनिंग डे पर, एक और दिन गई हूँ रीट्रेनिंग डे पर, यानी टोटल 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद फिर खुद अपना सफर शुरू किया था. और जब मैं फर्स्ट डे जा रही थी तो मुझे कोई भी भेज नहीं रहा था कि आप अभी रेडी नहीं हो, तैयार नहीं हो. गुरप्रीत बड़ी सारी चीजें बता रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि लाइक आप ऐसे रिट्रेनिंग करो, इतनी सारी प्रैक्टिस कराओ, इन इन चीजों को आप ध्यान में दो, है ना. बड़ी सारी चीजें बता रही थी. वो शायद इसलिए भी बता रही थी क्योंकि प्रैक्टिकली वो अपने ऑफिस में ये सारी चीजें अभी अपनी टीम के साथ कर रही है, है ना. और जब मैनेजर बनी थी, जब लाइक उसने टीम बनाई थी तब भी वो ऐसे ही कर रही थी, तभी जाके वो मैनेजर बनी. और फिर से वो अपने ऑफिस में वही चीजें रिपीट कर रही है, बस फर्क आ गया. पहले वो फील्ड में जाकर के कर रही थी, अब वो ऑफिस में बैठ करके सिखा रही है. करना आपको वही है ऑफिस में बैठ करके भी जो आपको फील्ड में पहले करना होता है. और गुरप्रीत के बारे में भी डेफिनेटली बताना चाहूंगी. गुरप्रीत की दिसंबर में शादी हुई है, आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा. कोविड का फायदा इन्होंने भी उठाया, कोविड में शादी कर ली. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक एक व्यक्ति यू नो एक दिन आता है, ट्रेनिंग करता है, बड़ी सारी फाइट करता है अपनी फैमिली से और बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करता है, बहुत सारी सिलेक्शन यू नो करवाता है कि मैम या सर मुझे ये अच्छा लग रहा है, आप इसको मुझे अपनी टीम में लेना चाहता हूँ. कोई इसका साथ पूरे समय दिया जो एंड तक गया, कोई बीच में छोड़ के गया, पर लॉ ऑफ एवरेज है ये तो सब चलता ही रहेगा. और फिर मैनेजर बनी, है ना. फिर थोड़े अप डाउन्स देखे, बहुत अच्छा भी देखा, बहुत खराब भी देखा. फिर अगेन अपने आप को सेट किया. फिर मैडम की शादी हो गई, अगेन मैडम उसके बाद शादी के बाद वो वापस अपने यू नो एक हफ्ता ऑफिस से बाहर रही, शादी, इन लॉज फैमिली को देखना, ये सब चीजें. और कमिटमेंट लेवल उसका बहुत जबरदस्त है. मैंने हमेशा मेरे अंदर एक बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है इस चीज को लेकर के कि बॉयज की अपेक्षा गर्ल्स जो होती है वो ज्यादा कमिटेड होती है और वो जो बोलती हैं वो सचमुच कर सकती हैं अगर वो सही मायने में करना चाहें तो.
उन्होंने जस्ट 1 वीक का समय लिया था, वो हमारे बोल के गए थे कि मैं आफ्टर 1 वीक अपना इन-लॉज में जाके सारी चीजें सेट करके मैं इस डेट को ऑफिस में अवेलेबल होंगी पटियाला ऑफिस में, क्योंकि 1 वीक के लिए उनकी टीम पटियाला में आई थी जब उनकी मैरिज हुई थी, और वो सेम डेट पे हमारे पास अवेलेबल हो गई थी। और उसके बाद एक दिन के बाद फिर वो लोग अपने ऑफिस हिसार में उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। और जब शादी के बाद स्टार्ट किया तो जस्ट 3-4 लोगों के साथ ही स्टार्ट किया था, और आज मुझे लगता है इस हॉल में हाईएस्ट टीम उन्हीं की है। अभी इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं उसमें सबसे हाईएस्ट टीम उन्हीं की है। और हाईएस्ट टीम के लिए गुरप्रीत के खुद बहुत ज्यादा एफर्ट है, उसकी खुद की चाहत थी कि अब सारी सेटिंग हो गई है, अब मुझे क्या क्या चीजें करनी है, उसकी खुद की अटेंशन थी, और वो अटेंशन उन्होंने फॉरवर्ड करी अपने ट्रेनर्स के अंदर। मैं बहुत स्ट्रांग फीलिंग है मेरे अंदर इस बात की कि अगर मैं करना चाहती हूँ जो चीज ना, और मेरे सामने वो कोई भी बंदा है जिसको बिजनेस समझ आ चुका है कि ऐसे है, ऐसे करना है, ये फेसेस हैं, ऐसे जाना, मैं वो चाहत उसके अंदर 100% ट्रांसफर कर सकती हूँ अगर मैं सच्ची नीयत के साथ उसके पास बैठ जाऊं, उसको ट्रेन करना स्टार्ट कर दूं। उन्होंने काफी मैम को सही ट्रैक पे लाया, तुलसी मैम को ट्रैक पे लाया, आरती मैम को ट्रैक पे लाया, इन तीन लोगों ने ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। और मैं सबसे ज्यादा बोलूंगी इन्हीं लोगों ने, बहुत सारे ऐसे तो और भी इनके साथ लोग हैं, रोहित सर है ना, भुवनेश सर है जिन्होंने उनका पूरा सपोर्ट किया है। लेकिन ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब पहले जो मेन है, हेड है ना, मेन लीडर टीम का, वो एक ट्रेनर बन के अभी अपने ऑफिस में काम कर रही है कि आई एम अ ट्रेनर एक्चुअली, और मैं बिल्कुल उसी लेवल पे आकर के लोगों के साथ काम कर रही हूँ। दैट्स वाई वो रीट्रेनिंग पे आपको इतनी बारीकी से बता पा रही थी कि ये चीज करो, ये चीज करो, ये चीज करो, क्योंकि इन लोगों ने जस्ट 15-20 डेज के अंदर अंदर 15 ऑर्डर फॉर्म क्रिएट किए, 15 ऑर्डर फॉर्म जस्ट 3-4-5 लोगों की बराबर एकदम एक लेवल पे आकर के मेहनत करने के लिए। तो इसी तरह से हर, मतलब मुझे लगता है कि हर एक लीडर को अपने लेवल से उस तरह से सोचने की जरूरत है, करने की जरूरत है। हमारे लिए बेस्ट बात है अभी कि बाहर इतने सारे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, इतने सारे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं है। और मुझे सीरियसली हम जब इंटरव्यू करने बैठते हैं तो रोज एक बार नहीं, मुझे लगता है कि 1000 बार ईश्वर का थैंक यू करते हैं कि हमें पहले ही चांस में इतना अच्छा मौका मिल गया अपने करियर को बनाने का। बिकॉज हम आजकल ऐसे लोगों के इंटरव्यूज कर रहे हैं जो 10 साल 15 साल से किसी कंपनी में, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं वो काम कर रहे थे, एमडी के तौर पर कोई, किसी तौर पर कोई, किसी तौर पर। आज उनका किसी का बंद हो गया है, किसी को निकाल दिया है, किसी को कुछ कर दिया है, किसी को कुछ कर दिया। 10-15 इयर्स, मैं 85 बॉर्न हूं और मेरे सामने ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने जो 80 बॉर्न है, 85 बॉर्न है, लेकिन वो जॉबलेस है, अब उनके पास जॉब नहीं है, लास्ट 10 इयर्स से वो काम कर रहे थे। और तब और ज्यादा थैंक यू करने का दिल करता है कि वाओ, मतलब ये, और उनका जॉब गया है कोविड की वजह से, क्योंकि स्टाफ कम कर दिया है या जो भी चीजें रही होती है। तो अगर हम हकीकत में देखें तो बहुत सारे लोग हैं गाइस जो काम करना चाहते हैं, आने आके अपने कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको कुछ अच्छा चाहिए। आप सोचे जो 10 साल से काम कर रहा था, उसकी 25-30-35,000 सैलरी थी और सडनली अब उसको जवाब दे दिया है, आप बताएं वो हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन नहीं करेगा? एक अच्छा कारण बताओ कि वो हमारी कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगा। एक सिंगल अच्छा कारण नहीं है। अगर आप इसको कारण मानते हो कि हमें फिर ट्रेनिंग करना होता है तो ये कारण नहीं है, ये कारण नहीं है। मैं अभी बिनती से बात कर रही थी, देहरादून स्पेस इंटरनेशनल ऑफिस से हैं, आप शायद इनको देख के आपको बिलीव नहीं होगा, इनका 15 साल का बेटा है और ये मणिपुर की रहने वाली हैं, और इससे पहले ये मणिपुर में, बिफोर कोविड ये मणिपुर में ही एजुकेशन लाइन में थी, किसी अच्छे स्कूल में टीच करवाती थी, 15-20,000 सैलरीज उनको वहां मिलती थी, और इसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा ट्यूशन देती थी। ये कह रहे हैं कि मैं अराउंड 50,000 रुपीज टोटल वहां पे अर्न करती थी। मेरे हस्बैंड देहरादून में रहते हैं, दैट्स व्हाई मैं आफ्टर कोविड शिफ्ट हो गई यहाँ पे। और मैं इनको पूछ रही थी कि देखो आप बार बार ये कह रहे हो कि मैं मैनेजर, मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के लिए ज्वाइन हुई हूँ, क्योंकि मैनेजर बनने की जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए मैं ज्वाइन हुई हूँ। मैंने कहा यार आप 40-50,000 रुपए कमाते थे, आप बोल रहे हो ये चीज, तो यहाँ तो आप पहले महीने से मर्चेंडाइजिंग के साथ साथ अगर आप
अपॉर्चुनिटी को देखेंगे तो फिर 50,000 तो नहीं आप एकदम से अर्न करोगे पहले महीने से। कहते मुझे उसके लिए नहीं, अर्निंग के लिए अब काम नहीं करना, मुझे ना मैनेजर बनने के लिए काम करना, मेरे को भी एक यू नो एक परमानेंट एक पोजीशन चाहिए जो किसी कोविड वोविड की वजह से चेंज नहीं हो या कुछ नहीं हो। आप और सिचुएशन बदलते हुए देर नहीं लगती है। कहती है मैं घर जाती हूँ तो मेरा बेटा मुझे चाय पिलाता है, मुझे खाना पूछता है, आयरन करके मिलता है, कपड़े भी धो के मिलते हैं, समटाइम बड़ी सारी हेल्प हो जाती है यू नो। और लाइक आप बताएं कि इनके पास कौन सा कारण है हमारे काम को ज्वाइन करने का। ये टीचिंग प्रोफेशन में थे एज अ टीचर और घर में बैठ करके भी पढ़ा रहे थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे और इतना एक्साइटेड होकर के फील्ड में जा रही है, बाहर इतनी सारी बातें कर रही थी, मुझे लग रहा था ये एक से डेढ़ महीने की ट्रेनर होंगी, बट ये अभी ट्रेनी है और जस्ट 2 वीक्स इनको हमारे काम में यू नो ज्वाइन करके हुए हैं और इतनी एक्साइटेड है और मतलब इतनी पॉजिटिव है। और आप देखिए इनका स्काई ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग यू नो जुड़े हुए हैं हमारे ग्रुप से, तो आप देखिए इनका लगभग हफ्ते में 2 से 3 बार इनका नाम आता है, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे ही कर रहे थैंक यू सर ऐसे ऐसे। ये हमारे बिजनेस की ब्यूटी है सीरियसली, कि एक आदमी देहरादून में आता है उसको हिंदी बोलनी नहीं आती क्योंकि अभी तक ये मणिपुर में ही रहे, या तो इंग्लिश में बात करेंगे या तो जिनकी अपनी लोकल लैंग्वेज है राइट। फिर भी वो देहरादून में आके एक महीना डेढ़ महीना देहरादून में रहती है, रहते हुए हैं और ये जाती हैं टेरिटरी में, कह रही है कि 300-350 लोगों से मिलते हैं और रोज इनका 6-7 किताब ड्रॉप हो रहा है और पिचिंग भी अच्छी खासी हो जाती होगी 300-350 लोगों से मिल रही। और क्या जरूरत है क्या करने की, हस्बैंड रेस्टोरेंट में, कहते बच्चे 30,000 रुपए उनकी अच्छी सैलरी है, बेटे दोनों इतने बड़े बड़े हैं, इनको तो रेस्ट करने की जरूरत है ना। आप मैं जो मैं आपको जो बात कर रही हूँ पता नहीं आपको शायद समझ आ रही होगी कि नहीं, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छा रीजन नहीं है उन लोगों के पास जो 10 साल से 15 साल से कहीं पे काम कर रहे थे, अच्छी सैलरीज भी ले रहे थे नो डाउट उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो नहीं ठीक है। मुझे लगता है कि अगर कोई मेरे पास 35-40 साल का आदमी आता है इंटरव्यू के लिए और कहता है कि मैं 35-40 हजार पे काम करता था तो मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं है, मुझे हमेशा ऐसे लगता है, लेकिन उनके हिसाब से तो हम उनका भी रिगार्ड रखते हैं कि चलो ठीक है अच्छा ही कमा रहे थे आप इंग्लिश मत लो ठीक है। तो वास्तव में उनके पास एक भी रीजन नहीं है हमारे काम को ना ज्वाइन करने का। लेकिन अब जिसको ऑब्जर्वेशन करना है, जो ट्रेनर है, जिसको टीम बिल्ड करनी है, उसकी प्रेपरेशन कितनी है, वो कितना पॉजिटिव है, वो इस बात को लेकर के कितना ज्यादा एक्साइटेड है, आपको समझ आ रही है कि वो कितना ज्यादा एक्साइटेड है। मैं एफबी पे ना पटियाला में एक एड डालती हूं सीरियसली, अभी जस्ट अपडेट हुई है, लिख के आता 1 मिनट हुआ अपडेट होके कॉलिंग स्टार्ट, तुरंत कॉलिंग स्टार्ट। मैंने जब पहली बार एड लगाई है ये क्या, मैंने पहली बार मतलब उसका एक्सपीरियंस किया, मैं कभी नहीं देखती थी उसको लाइक एफबी को चला करके कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या नहीं है, विद इन 1 मिनट कॉलिंग, हाँ जी मैडम आपका एड देखा था, पोस्ट देखा था, बताइए आपके पास क्या जॉब है, और 1 घंटे के अंदर 35-40 कॉल। और गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर से अलग प्रेशर, 4,000 की पूरी फाइल जिसमें 4,000 लोगों का डेटा है हमारे ऑफिस में, इतनी मोटी मोटी फाइलें पड़ी है, इनको लेके सब जॉब मांग रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो आज जाकर के दे रहा है, जॉब फेयर्स लगा रहा है, आज वो हमारे लोगों को रिक्रूट करो देखो। और ऊपर से जो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो वाले वो खुद लोगों को बता रहे हैं भैया ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको, आप जहां जा रहे हो मेहनत करनी पड़ेगी, हम आपको देते हैं मौका देते हैं, सरकार भी लगी हुई है कि भाई आप जाओ कुछ काम मिले आपको, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी नहीं भी है, अगर आपको एक जगह से निकाल दिया तो और भी बहुत सारे चांस है। और हम उनमें से एक है बाय गॉड करके, हमने 4 जून को जब ऑफिस स्टार्ट किया था पटियाला में, मैंने नहीं सर ने स्टार्ट किया था 3-4 लोगों के साथ, तो सर ने 4 तारीख को सबसे पहले जॉब फेयर ही अटेंड किया था, ऑफिस बाद में ओपन किया था, एक स्कूल में उन्होंने अरेंजमेंट्स किया था, बड़े सारे लोग आए थे जून महीने में, जस्ट फर्स्ट ओपन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ठीक है गाइस। तो यकीन मानिए टीम बनाने के इतने सारे मतलब रास्ते खुल गए हैं और तो खुल गए हैं, बस कहीं ना कहीं हमें थोड़ा खुलने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हम इस बात को महसूस करने की जरूरत है कि हम हीरो से भरे हुए खेत में वास्तव में चल रहे हैं, फील करने की जरूरत है, वो पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है, जो 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 नहीं करना है, जिसको जो कहता है यार नहीं मैं नहीं कर सकता, इट्स ओके फाइन, बट मेरा 100% एफर्ट होना चाहिए उसको हायर करने में निस्वार्थ भाव के साथ, कि भाई मेरे को एक व्यक्ति है 10 साल से काम करता था, इसके पास आज काम नहीं है, तो वो कैसे बात करता है, वो थोड़ा सा एटीट्यूड शो करता है।
करता है या जो की बात वो मत देखो, आप उसकी जरूरत देखो, वो नहीं समझ पा रहा है, इस वजह से आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें जो आपके पास है। और आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन और बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप उस फीलिंग के साथ उसको एक्सप्लेन करें। आप आने वाले 3-4 महीने बाद जॉब प्रोवाइडर बनने वाले हो, आपके पास बहुत बड़ा मौका है। ठीक है, मैं रिटेनिंग टॉपिक पे नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि गुरप्रीत मान ने इतनी सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता दी है कि रिटेनिंग पे क्या क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। मारे जो उसके साथ भी आप डेली बेसिस पे मैन्यूअल, डेली बेसिस पे नहीं तो हफ्ते में 2-3 टाइम तो आप मैन्यूअल पढ़ते ही हो, उसमें सारी चीजें लिखी हुई है। मैं बस ये कहना चाहते हूँ आप पूरे शक्ति के साथ, पूरे बल के साथ गाइस आ जाओ मैदान में उतर के और लग जाओ। बेहतर से बेहतर टीम बन सकती है, बहुत सारे बेहतरीन एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर लोग बैठे हुए हैं। आप अगर अपने शहर में देखेंगे, अपने एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में जाके आप चेक करेंगे तो सबको गवर्नमेंट इस टाइम पे रिक्रूटमेंट प्रोवाइड कर रही है क्योंकि सबको जरूरत है, हर जगह पे चाहते हैं, हर स्टेट में ये जरूरत है कि लोगों को जॉब मिले। और हमारी कंपनी जगह जगह पर बैठी हुई है, जगह जगह हमारी ऑफिसेज हैं और हमें कोई कमी नहीं है रिक्रूटमेंट की, बस आपको तैयार होना है। हाँ, अगर आप इस एटीट्यूड के साथ हायरिंग करोगे कि यार कल भी किया था वो भी नहीं हुआ, बड़ा अच्छा था, मैंने तो बड़ा अच्छा एफर्ट किया था, है ना, फिर आज भी किया, फिर मतलब आप सोचो मत, जो गया सो गया, आपने अपना बेस्ट दिया। आपने सुना होगा ट्रेनिंग में कि आज आपने बहुत सारी मेहनत करी, किसी कारण से आपका रिजल्ट नहीं आया, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। वो रिजल्ट आपको कल बहुत बेहतरीन रिजल्ट के मतलब मिलेगा उसका, आपको अच्छा रिजल्ट, आप परेशान मत हो जाओ। सेम लाइक दैट, अगर एक ऑब्जर्वेशन किया हफ्ते में 10 ओडी 20 ओडी 15 ओडी करने के लिए सोचो कि मेरे को इतने ओडीज करने हैं, लेकिन थोड़ा व्यवस्थित तरीके से खुद को पहले व्यवस्थित करें, सही तरीके से खुद को पहले प्रिपेयर करें, मेंटली तौर पे प्रिपेयर करें कि मेरे को ओडी क्यों करना है, रीट्रेनिंग क्यों करना है, टीम क्यों बनानी है। ये जो वाई होते हैं, वाई अगर इसके आंसर्स आपको क्लियर हो जाए, यकीन मानिए आप बहुत बेहतरीन हो, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, दैट्स व्हाई आप यहां बैठे हो। आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो, क्या आप फील्ड में जाते हो, इतने सारे नेगेटिव्स को फेस करते हो, हमारी कंपनी बोलती है 50,000 नोज सुनने आपको, फिर भी आप, हम सब लोग रेडी होते हैं सुनेंगे 50,000 नोज, नहीं सुनते हैं क्या फील्ड में रोज 100 नोज 150 नोज 200 नोज सुनते हैं ना, अच्छा बुरा हर तरह का कस्टमर्स हम फेस करते हैं, कुछ बहुत रूडली बोलते हैं, कुछ बहुत अच्छे से चाय पानी कॉफी ऑफर करते हैं, कुछ लोग तो वो भी नहीं करते हैं, लेकिन हम उन सबको फेस करते हैं, करते हैं। yes, तो ओडी रिटेनिंग को भी फेस करो, आपके पास भरमार आ जाएगी हर चीज की, आपके पास बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और हमारा काम सबसे आसान है, सिर्फ पहले ये सीखना है कि अच्छे ढंग से थोड़ा सा पहनना, थोड़ा सा खड़ा होना और फिर हमारे काम के हिसाब से बात करना, हमारे काम के हिसाब से बात करना, 5 स्टेप्स रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, एक्सप्लेन करना और प्रैक्टिकली ट्रेंड करना, 4 फैक्टर जो एक डील बनाने के लिए जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको सही से अंडरस्टैंड करना है मर्चेंडाइजिंग के फैक्टर्स, 8 स्टेप्स हमारे सक्सेस के लिए दिया हुआ है और लॉ ऑफ एवरेज तो आपको पता है वो हमारा फाउंडेशन है, उसके ऊपर ही हो रहा है जो कुछ भी होना है, उसको अगर आप सही से अंडरस्टैंड करो तो बाय गॉड करके आप बहुत अच्छी टीम बना सकते हो। नेक्स्ट हम जो भी मीटिंग करेंगे, मे बी 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, आप में से कुछ लोग निकल के पक्का यहां पर होंगे और हमें बड़ी खुशी होगी इस बात की। मैं जैसे बोल रही थी कि मुझे गुरप्रीत के लिए बहुत खुशी होती है कि एक लड़की आती है, फिर वो ट्रेनिंग करती है, मर्चेंडाइजिंग के लिए जूझती है, फिर टीम बनाने के लिए फाइट करती है, फिर हमारे सामने सामने उसका ऑफिस खुलता है, हमारे सामने सामने उसकी शादी हो जाती है, फिर वो वापस से सारी चीजें सेट करती है, तो बड़ी खुशी होती है कि ना आप बड़े होते हुए आप देखते हो। और अभी बड़ा सारा हार्डवर्क कर रही है वो, वैसे सारे लोग कर रहे हैं, यू नो जिनसे हमारी डेली बेसिस पे रोज ज्यादा बात होती है तो उनका ज्यादा पता होता है, ठीक है, सबका पता नहीं है मुझे या सबसे बातचीत नहीं होती तो इसलिए, ठीक है गाइस। तो बहुत एक्साइटेड होके पूरी एनर्जी के साथ मेंटली प्रिपेयर होकर के और पूरे प्लान के साथ यहां से जाइएगा, पहले तो होमवर्क करिएगा, पहले तो नोट्स बनाइएगा। मैंने सुना है बुद्धिजीवी लोग नोट्स बनाते हैं कुछ भी करने के बाद, ठीक है, लाइक जैसे ये मीटिंग हुआ आज, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जाकर के पहले नोट्स बनाइएगा, यू नो आपने यहां से क्या क्या सीखा, क्या क्या चीजें करी, फिर उनको कैसे आप
लाइक अपनी लाइफ में अप्लाई करें ताकि आपकी टीम बने, आप आगे बढ़े, आगे जा सके। बहुत सारे लोग है गाइस जिनको हमें अच्छा रास्ता दिखाना है, जैसे हमें भी दिखाया हमारे ट्रेनर ने, हमारे ट्रेनर ने हमें अच्छा गाइड किया है, अच्छा केयर किया है। मानते हो आप इस बात को? दैट्स वाई हम यहाँ पे हैं। हमारे टीम लीडर ने बहुत सारे एफर्ट किए हमारे ऊपर, हमारे ट्रेनर ने बहुत सारे एफर्ट किए हैं, सो हमें भी ऐसे ही एफर्ट्स करने हैं। बट ये विदाउट प्रेपरेशन नहीं हो सकता है, विदाउट लाइक आपको प्रेपरेशन करनी है, इसके साथ साथ आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना है कि यस मुझे ये करना है, इतने समय में करना है, ऐसे ऐसे करना है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा काम बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, इससे आसान कोई भी काम नहीं है। आपको बात समझ आ रही है? इससे आसान कोई भी काम नहीं, सिर्फ बोलना सीखना है, बात करनी सीखनी है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पर्सन। ओडी करते वक्त भी आप यही ध्यान रखें कि जब आप उनके साथ पूरा दिन भर डील करते हैं तो सोच समझ के सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है, मुझे वैसा ही बनना पड़ेगा। चलाक, थोड़ा सा क्लेवर, स्मार्टनेस, सबके साथ एक जैसे नहीं हो सकते हो, समय की मांग है गाइस। आप जितने स्मार्ट बनोगे मर्चेंडाइजिंग में, ट्रेनिंग में, लीडरशिप में, आप उतना आगे जाओगे। कुछ अपना भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होता है, थोड़ी किताबें पढ़नी होती हैं, अच्छे लोगों के साथ रहना होता है ताकि आपको अच्छे आइडियाज आए, ताकि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, एक्साइटेड रहें और पूरी एनर्जी के साथ काम करें। ठीक है गाइस? सो रेडी? एक्साइटेड? एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां। एक और टॉपिक अभी बचता है हम सब लोगों का, ठीक है, और ये मेरा तो फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, विजेंद्र सर आ रहे हैं। विजेंद्र भी पटियाला में ही ट्रेनिंग लेता था, बड़ा रोता था मर्चेंडाइजिंग करते वक्त। ठीक है, एक बार सब लोग मांगते थे, एक बार का वाक्य बताते हूँ। सारे लोग बोलते थे पहले मर्चेंडाइजिंग बोलते हिंदी में किताब होनी चाहिए, हिंदी में होनी चाहिए। कंपनी ने भी लाइक हिंदी में किताब लॉन्च कर दी हैरी पॉटर। ऐसी हैरी पॉटर लाई विजेंद्र कमल, मर्चेंडाइजर थे, स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स, आहा, एक दिन जीरो, दो दिन जीरो, तीन दिन जीरो। ऑर्डर रिटर्न मैं लेती थी, मैं रोज एक दिन उनको ऑर्डर नील ऑर्डर फॉर्म पे कॉम्प्लीमेंट देती थी, थोड़ा बूस्ट हो जाए, कोई टेंशन नहीं, नई किताब लॉन्च की थी, लॉन्चिंग कर रहे थे और लाइक खराब हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे फिर आए, फिर कॉम्प्लीमेंट, थर्ड डे कमल बोलता मैम ऐसे बोलो आप कि बस करो। मैंने कहा वो मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है। ठीक है, मेरे को तो, मेरी तो अंत समय तक यही कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा आपको बूस्ट करूं। हर हाल उसके बाद लोगों के जो था ना कि हिंदी वाली किताब लाओ, वो वाला क्रेज खत्म। ठीक है, आगे की बात खुद विजेंद्र आपको बताएगा, तो इसलिए कह रही हूँ कि रोना, मतलब शाम को जो इनकी फेस होते थे वो बड़े देखने वाले होते थे। लेकिन ये सब चीजें ना इंसान को स्ट्रोंग बनाता है, ट्रेनर को स्ट्रोंग बनाता है। ठीक है, तो विजेंद्र सर आ रहे हैं, क्वालिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ट्रेनर की क्या क्या होनी चाहिए उस पर सर बात करेंगे, वो भी प्रैक्टिकल, ऑब्वियसली बात है, सीखा है वहां तक पहुंचे हैं। सो वेलकम।